डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया, तो वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सर्वेंट डिप्टी सीएम कहते हुए उनके कल के बयान पर पलटवार भी किया। सपा अध्यक्ष ने उन्हें सर्वेंट डिप्टी सीएम बताते हुए कहा कि हम सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बातों का जवाब नहीं देते। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूं। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और मैं अखिलेश यादव जी को इस बात के लिए धन्यवाद अदा करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी सीएम माना है। बहुत बहुत धन्यवाद।